में क्या मामला है? मैं सैफुल्लागंज से रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असीर है। हम आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए कि हम मिलने के लिए थे मुख्यमंत्री को रियाली आ गई, तो हमने पत्र लिखा था कि हमारी औलत पहले पहले मुकदमे में उनको फंसाना चाह रही है। हमने फैस किया था, इसी मामले में आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए। क्या मामला है, क्यों आपकी औरत मुकदमा फंसाना चाहती है? ये हमारे सास और ससुर, हमारे साले साहब, हमारे दो फरमाए उनके मेरे के बार पर दबाव डाल रहे कि आधे एक घर है और आधी प्रॉपर्टी हमारी बहन की है। मेरे दो घर हैं, प्रॉपर्टी है, कहने आधे दिन के हमारी बहन की। हम लूट ले रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहा है यार कि फले मुकदमे में आपको फंसा दिया जाएगा। इसलिए कुछ मतुति मैंने हुई थी, जिसमें से हम दरोगा साहब हमारे साथ जो है तो वो लेके आई थी अप्लीकेशन थाने पर, तो दरोगा जी हमको बुलवाए और थाने पर आए तो दरोगा जी ने कहा कि क्या मामला। हमने बताया कि सर मेरी औरत गलत निकल गई है, इसमें गलत नजर संबंध है किसी से, इसी मामले में हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तो दरोगा जी ने हमसे चाबी दिलवा दी है घर की, तो घर पर आज नहीं थी और बार बार कह रहे थे हम फंसा दें फंसा दें। तो जब 13 तारीख की घटना हुई, उस दिन हम घर दिखते नहीं, 1.5 घंटे पहले निकल गए हैं और CCTV फुटेज में एकदम साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि घर से जा रही है एकदम से हाथ में दबा लिए, आगे आगे लड़की हमारी जा रही है, पीछे पीछे ये जा रही है, फिर दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद वहाँ से निकलती है और पड़ोसी लोग हमारे देखे हैं, इसकी आप स्वयं जाँच कर लेंगे। पड़ोसी लोग सब हमारे देखे हैं, ये सब मामला है। मेरे जिस आप बात अपनी औरत से कह रहे हैं कि हमारी औरत गलत है, उस बात को लेकर के आसपास कोई प्रूफ है, क्या है आपके पास? हाँ, मेरे पास इसकी ऑडियो है, जो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रही है कि आपकी बहन को आपको फंसा दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा अगर नहीं लिखेंगे जो नहीं, ये तो कह रही। तो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, और इसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या गलत संबंधों को लेकर के आप अपनी औरत को नहीं रखना चाहते, इसी मामले को लेकर के विवाद हो रहा है? जी जी, हम वो गलत संबंधों को लेकर नहीं रखना चाहते हैं, इसी लेकर हमारा विवाद हो रहा है। हमारे सास ससुर बार बार हमको धमकी दे रहे हैं कि आपको बता दें ये और ये, उनका सत्ता हमारे खराब हो। गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक मामला हुआ था जहर खाने का, क्या मामला है उस? इसमें पीड़िता द्वारा अपने ससुराली जन पर आरोप लगाते हुए जहर देने का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा कायम है तथा इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण कराया जाएगा।